जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश मालवीय एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी सबकी फिजिकल की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड एक काफी बड़ा अपडेट आया है और बात करेंगे कि एमपी पुलिस का भी फिजिकल कब तक अब हो सकता है। जिस हिसाब से फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल पोस्टपोन हो गया है, सभी को खबर मिल चुकी होगी। फिजिकल कैंसिल इन द सेंस कैंसिल नहीं हुआ है, वो पोस्टपोन हुआ है, आगे शिफ्ट होगा। बिकॉज ऑफ आपको सभी को पता है अभी काफी धूप है, गर्मी है, नौ तपा चल रहा है और इसी बीच काफी बुरी खबरें आई है एमपी फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल से रिलेटेड, जो कि अभी 25 किलोमीटर की फॉरेस्ट गार्ड में आपको सभी को पता होगा कि वॉक थी और गर्ल्स की 15 किलोमीटर की वॉक थी जो कि स्थगित कर दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज यूजुअल सबका हो रहा है, जैसे 24, 25, 25, 26 और 26, 27, ये तीन डेट पे सभी को बुलाया गया था। तो जो फर्स्ट डे जिनका 24 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उनका 25 को चाल हो चुकी है और 25 को जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वो केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और उसके बाद उनकी जो फिजिकल होना था वो कैंसिल हो गया है। मतलब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये तीनों दिन जिन जिनका है, 24 को, 25, 26, ये तीनों डेज में एज यूजल सबका मेजरमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो फिजिकल है वो अभी स्थगित कर दिया गया है। आगे आपको व्हाट्सएप में नंबर द्वारा और या मेल के द्वारा जो आपके डीएफओ ऑफिस से, वहीं से आपको कांटेक्ट किया जाएगा फ्यूचर में जब भी आपका फिजिकल होगा। होपफुली अब जून में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, जून के बाद ही होगा जब गर्मी काफी कम हो जाए। तो इसी हिसाब से हम एमपी पुलिस के भी फिजिकल का अंदाजा लगा सकते हैं कि एमपी पुलिस का फिजिकल भी काफी लेट होने के चांसेस है। मतलब जून में, लेट इन द सेंस जून में तो पॉसिबिलिटी अब नहीं लग रही। मैंने कल खुद वीडियो बनाया था कि जून में होने के चांसेस है, बट जिस हिसाब से फॉरेस्ट गार्ड का सुनने में आया है तो काफी बैड न्यूज है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लास्ट ईयर भी जून में गर्मी के टाइम एमपी पुलिस का फिजिकल हुआ था और उस टाइम भी फिर वो पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू काफी एस्पिरेंट्स के हेल्थ इश्यूज हो गई थी। इस बार भी यही सेम कंडीशन आ रही है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और अभी कुछ एरियो में 42 डिग्री, 43 डिग्री। और अगर बात करें हमारे यहाँ एमपी के नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट जैसे भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, इधर काफी ज्यादा गर्मी है, 47 डिग्री तक भी टेम्परेचर जा रहा है। तो इतने हाई टेम्परेचर में फिजिकल करना, ऊपर से इतनी ज्यादा लंबी वॉक करना फॉरेस्ट में तो काफी पॉसिबल नहीं है। और ये एमपी पुलिस में भी इस बार चांसेस है कि जून में पॉसिबिलिटी तो नहीं है क्योंकि उसकी भी प्रोसेस, तीन इवेंट है, उसकी भी प्रोसेस काफी लंबी चलती है सुबह से शाम तक। बात करें फॉरेस्ट गार्ड की फिजिकल में, जैसे दो फिजिकल्स थे कुछ लोगों के, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक, दो अलग अलग पोजीशन थी। तो काफी लोगों को दो अलग अलग जगह पे बुलाया गया था। तो कुछ मेरे स्टूडेंट्स, हमारे एकेडमी से भी स्टूडेंट्स गए थे, तो उनने वहां पे जो ऑफिसर से उनसे बात करके उनका फिजिकल को मर्ज कर दिया गया। उनको दो बार 25-25 किलोमीटर ना चल के एक बार चलना है क्योंकि बहुत लोग को ये कॉल गया गया कि हमें वन रक्षक का भी फिजिकल देना, क्षेत्र रक्षक का भी, और सेम जगह पे आज उनको वॉक करनी है, फिर अगले दिन फिर वॉक करनी थी, किसके लिए, क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक। बट अगर वहाँ पे आपका स्टाफ अच्छा रहा और आपका जिले में अगर डीएफओ जो भी ऑफिसर है और जो भी स्टाफ है अगर आपको सपोर्टिव रहा तो आपको हेल्प कर देंगे और आप एक ही बार वॉक करोगे। बट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग और मेजरमेंट टेस्ट ये दोनों के लिए अलग अलग होगा। नेक्स्ट बात करें, एक और इशू आया फॉरेस्ट में, जो 13% में नाम है, ओबीसी में भी कुछ लोग का नाम है और कुछ लोग का यूआर में भी नाम है और सेम डेट पे अलग अलग जिलों से कॉल किया गया। तो आपको सभी को पता है कोर्ट में केस चल रहा है और ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से जिले में चूज करना चाहोगे। मान लो आप ओबीसी का फिजिकल देने गए और अगर यूआर को मिल गया तो आपकी किस्मत क्या, मतलब बहुत खराब है, और आप यूआर में देने गए और अगर रिजर्वेशन ओबीसी को मिल गया, ये तो अब नेक्स्ट चुनाव तक ही डिसाइड नहीं होना है किसको मिलेगा। ये 13% का इशू बहुत लंबा चलने वाला है। तो आप जहाँ पे, जहाँ से भी आपकी इच्छा हो और जहाँ से भी चॉइस हो, 13% ओबीसी या 13% यूआर, एक जगह से आप फिजिकल जरूर दे दें। तो यही अपडेट रहा कि फॉरेस्ट गार्ड का ऐसा फिजिकल है। नेक्स्ट अब जेल प्रहरी और एमपी पुलिस का फिजिकल होगा, बट पॉसिबिलिटी है कि अब काफी थोड़ा डिले हो जाएगा। जून में पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका फिजिकल होगा। तो आपको फिजिकल के प्रिपेयर, एमपी पुलिस वाले स्टूडेंट्स को फिजिकल प्रिपरेशन के लिए काफी और समय मिल गया है, तो आप कंटिन्यू अपना फिजिकल की प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा अर्ली मॉर्निंग जाइए, मैंने पहले भी बताया। और जिसको भी अपना एमपी पुलिस के फिजिकल का ट्रायल देना है वो हमारी एकेडमी आके ज्वाइन, मतलब एकेडमी में आके फिजिकल अगर नहीं भी करना है तो आप आके मंडे हमारे यहाँ ट्रायल, फुल ट्रायल दे सकते हो, जिसमें हमारे यहाँ पूरे तीनों इवेंट प्रॉपर कराए जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा चांस नहीं दिया जाता है। और पूरे आपको एंड में आपको जो भी आपके मार्क्स उस दिन बने हैं वो आपको बताया जाएगा। तो कल मंडे है, अगर आपको फिजिकल फुल ट्रायल देना है तो आप आके दे सकते हैं, जो भी कैटेगरी का हो, रैंडम जो भी कैटेगरी आप आगे दे सकते हैं। हमारा एड्रेस है भेल स्पोर्ट्स क्लब,
क्योंकि कैरियर कॉलेज के पास में, गोविंदपुरा थाने के पास में, आप भेल स्पोर्ट्स क्लब गूगल पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ये खबर। उनको अभी और समय मिल गया है फिजिकल की प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।